हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। आपने टॉपिक देखा होगा थंबनेल में। आज का टॉपिक है, क्या आप दोनों एक होंगे, क्या आपका रियूनियन होगा, क्या आप जिनका वेट कर रहे हैं, क्या आप जिनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं बरसों से, सालों से, महीनों से सेपरेशन में हैं, आपको उम्मीद है कि क्या वो आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, तो क्या आप का रियूनियन पॉसिबल है, क्या आप दोनों एक होंगे। ये आज मैं आपकी ही डिमांड पर ये रीडिंग कर रही हूँ। आप में से कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करा है कि मैम रियूनियन पे रीडिंग करें। देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। होप फॉर द बेस्ट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सबसे पहले मैं देखूंगी कि क्या आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, तो मैं दो डेक्स से कार्ड्स निकालूंगी चेक करने के लिए कि क्या वो किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं और क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो रीयूनियन करना चाहते हैं, क्या आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, और फिर हम लास्ट में नेक्स्ट एक्शन देखेंगे कि क्या आपका रीयूनियन होगा। तो हमेशा की तरह मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी और लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी होगी, और आज बीच में म्यूचुअल एनर्जी लूँगी मैं, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। प्लीज गाइड करें एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक मैं दोनों डेक्स के लूंगी म्यूचुअल एनर्जी। 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 फैमिली इश्यूज बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। ये म्यूचुअल है, ये आपकी एनर्जी है और ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। मैं एक डेक से और कुछ कार्ड्स लूँगी। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं, क्या वो एक्शन ले पाएंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक एक कार्ड आपके लिए है। 1, 2, 3, 4, 5 बॉटम ऑफ द डेक म्यूचुअल। 1, 2, 3, 4, 5 टेन ऑफ वैंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन। फाइन, तो ये म्यूचुअल एनर्जी है, इसे मैं यहाँ रख रही हूँ। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि आप इस वक्त इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपके माइंड में, ताकि आप रेजोनेट कर सको। अगर आपके माइंड में वही चीज़ें चल रही हैं तो फिर आप अपने पार्टनर की एनर्जी भी आगे कंटिन्यू देख सकते हो, नेक्स्ट एक्शन भी देख सकते हो। तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स मेल हो, फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, एनर्जी वाइज होती है, तो सबके लिए है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। सबसे पहले तो मेरे व्यूवर्स इस समय बहुत इंडिपेंडेंट हैं,
अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने सोल पर्पस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी हेल्थ अपनी वेल्थ दोनों पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, आप कोडिपेंडेंसी से बाहर निकल रहे हैं। पहले की तरह अब आप लेस कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। यहाँ पर यह भी बता दूं कि आप अपने पर्सन को स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं, नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं, वो कब ऑनलाइन आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं, या कब जा रही हैं कब नहीं आ रही हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया हो, स्टोरीज़ हो, यहाँ पे ओवर एंड ऑल आप उन पे नज़र रखते हैं, ठीक है। प्लस उनकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आप कहा जाए तो 24/7 आप इमेजिन करते हैं अपने पर्सन को उनके साथ, उनकी जो मेमोरीज़ हैं आपके साथ, पास्ट लाइफ कनेक्शन है या इस लाइफ में जो भी मेमोरीज़ हैं, आपको काफ़ी चीज़ें रिकॉल होती हैं, उनकी चैट्स उनकी बातें आपको याद आती हैं। अगर उनके कोई गिफ्ट्स हैं आपके पास तो वो गिफ्ट से आप उनको याद करते हैं, तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है। समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, या तो आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं, अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं, कार्मिक के साथ हो सकते हैं मैरिड हों। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपके ऊपर 25 तरह की टेंशन हों, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो या फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रेशर हो आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। द वर्ल्ड एक टफ जर्नी देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा आपने झेला है इस रिलेशनशिप में, आपने काफ़ी ग्रो किया है, काफ़ी आपको लाइफ लेसन्स मिले हैं, लेकिन आपकी एक ही इच्छा है कि आप इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं विद क्लैरिटी। आप क्लियर सुनना चाहते हैं अपने पार्टनर के मुँह से कि आपको क्या करना है, क्या ये आपके लिए स्टैंड लेंगे या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्लैरिटी आप चाहते हैं, उनके मुँह से आप सुनना चाहते हैं, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स, आपकी इच्छा यही है कि आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिले। हो सकता है आपने उन्हें समटाइम्स प्रपोजल दिया हो या उन्हें आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला हो, जेस्चर किया हो कि आप शादी करना चाहते हैं या आप डिवोटेड हैं इनके लिए, बट आपको इधर से कोई सॉलिड रिस्पॉन्स या कमिटमेंट नहीं मिला है अभी तक। क्योंकि नहीं मिला है, आप हैंग्ड हैं, बहुत ज़्यादा आप अटका हुआ फील कर रहे हैं। आपको कई बार ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप सोल कनेक्शन में हैं तो आप चाहें भी तो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, आपका माइंड वहीं स्टक होता है। और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं है, आपके पर्सन भी जहाँ भी हैं वो हैप्पी नहीं हैं। तो इस तरह की एनर्जी मेरे व्यूवर्स की निकल कर आई है। अब हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी और फिर यहाँ पर हम म्यूचुअल एनर्जी रखे हैं वो चेक करेंगे। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, अगर आपसे आपकी एनर्जी रेजोनेट करी हो तो आप अपने पर्सन की एनर्जी एंजॉय कर सकते हैं, रीडिंग को देख सकते हैं। आपके पर्सन की तरफ फर्स्ट कार्ड है 10 of Pentacles, द मून, द एम्परर, 4 of Swords, 5 of Cups। सबसे पहली बात, अगर आपके पर्सन, यहाँ पे साइन सभी हैं मैं बता दूँ, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सभी साइंस हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपके पर्सन या तो पेरेंट्स की वजह से या मदर इश्यूज़ हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जिसके लिए भी आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी बात बता रही हूँ। यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बातें छुपाना, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, प्लस ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। तो इस तरह की आपके पेरेंट आपके पार्टनर्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। यहाँ पर इतना दिख रहा है कि इन सब रीजंस की वजह से आपसे ब्रेकअप चल रहा है, या नो कॉन्टैक्ट है या लेस कॉन्टैक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स कितना भी छुपा लें, ये खुश नहीं है, ये जिस भी सिचुएशन में है ये खुश नहीं है। या तो इनका बिजनेस ख़राब चल रहा है क्योंकि ये अपसेट हैं, कर्मा साइकिल में है तो इनका कर्मा इन्हें फेस करना पड़ रहा है, बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, रिश्ता अगर इनका फिक्स कर रहे हैं वहाँ ये खुश नहीं है। तो ओवर एंड ऑल थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है इनके लाइफ में, और ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही है। ये आप ही को अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं और मान चुके हैं, आपके साथ ही एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं। द सन, एक्शन लेना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हों, बच्चे हों, इस वजह से वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन ये एक्शन लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये निकलना नहीं चाहते या आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते। द सन का कार्ड है, डेफिनेटली यहाँ इनकी सोल आपसे कनेक्टेड है और ये सोल के लिए एक्शन लेंगे।
टेम्परेंस, ये आपके साथ बैलेंस बना के चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको हर तरीके की कन्विंस, ये आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप इनके लिए बहुत प्रेशियस हो, आप इनसे मूव ऑन मत करो, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। द फूल, बहुत जल्द ये आपके लिए न्यू बिगनिंग करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे। द फूल की एनर्जी है जो कि ये बताता है कि अगर ये किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं इनके लाइफ में होंगी जिसके बाद ये आने वाले समय में न्यू बिगनिंग करेंगे। द फूल रिप्रेजेंट न्यू बिगनिंग, केयरफ्री होके बढ़ेंगे। द डेविल कार्मिक सिचुएशन में है, मैंने आपको पहले ही कह दिया, तो ये डेविल एनर्जी से बाहर निकलेंगे। जैसे ही इनका कर्मा बैगेज क्लींस होगा ये उस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। लास्ट कार्ड है एस ऑफ वैंड्स, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा रोमांस है और आप ही के साथ ये नई शुरुआत करेंगे। एस ऑफ वैंड्स बिगनिंग करेंगे आपके साथ। सो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इनकी एनर्जी में वो चीज़ें आई हैं जो आप चाह रहे हैं और आपकी एनर्जी में वो लैक शो हो रहा है, तो आपको बैलेंस करना है। लैक शो मत करिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। देखते हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या आई है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, एट ऑफ कप्स। देखिए ये जिन सिचुएशन से भाग रहे थे, जिन सिचुएशंस की वजह से भाग रहे थे, जिन सिचुएशन की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम्स हुई हैं, ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं या कार्मिक सिचुएशंस है, वहाँ से ये मूव ऑन करेंगे। उस सिचुएशन से, थर्ड पार्टी से ये मूव ऑन करेंगे। द वर्ल्ड का कार्ड है, एक टफ जर्नी, एक साइकिल, एक कर्मा साइकिल एंड होगी और उसके बाद आपकी तरफ आपके पर्सन बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स एक ऐसा एनर्जी है जो कि ये बताता है कि आपकी तरफ बोल्ड स्टेप होगा, ठीक है। सो म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि जिन भी रीजन से ये भाग रहे थे उन रीजन से ये मूव ऑन करेंगे, निकलेंगे उस सिचुएशन से बाहर। ये द वर्ल्ड, आप दोनों में जो डिस्टेंस है वो ख़त्म होगा। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, जो हमारा आज का टॉपिक है, क्या आप एक होंगे, क्या आपका रीयूनियन होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या रीयूनियन पॉसिबल है। आई नीड सिक्स कार्ड्स। जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख पाएंगे, क्या रीयूनियन पॉसिबल है, क्या रीयूनियन होगा। बॉटम ऑफ द डेक आया है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, मतलब कि आपकी विश पूरी होगी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। देखते हैं हमारे पास क्या कार्ड्स आए हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस, ओवर एंड ऑल आपको सक्सेस मिलेगी लेकिन ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस अपनी जगह हैं। द एम्प्रेस विद टावर, यहाँ थर्ड पार्टी एंड होते हुए दिख रही है, वेटिंग एनर्जी है, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। सॉलिट्यूड में है आपके पार्टनर इस वक्त, सॉलिट्यूड में है मतलब आपके पर्सन अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, क्योंकि जब जब अवेकनिंग लगती है तब तब टावर मोमेंट आता है और उसके बाद ही रीयूनियन होता है। जब आप सेपरेट होते हैं तभी भी टावर मोमेंट आता है और जब आप रीयूनाइट होते हैं उसके पहले भी टावर मोमेंट आता है, ये यूनिवर्स का लॉ है। अभी हमने देखा म्यूचुअल एनर्जी में आया था कि ये थर्ड पार्टी से या जिस भी सिचुएशन से भाग रहे हैं वहाँ से मूव ऑन करेंगे, और यहाँ से भी आया है। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है आपके पार्टनर्स का, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो भी रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है नंबर थ्री, थर्ड पार्टी सिचुएशन, वहाँ टावर मोमेंट आएगा, उस सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे आपके पार्टनर्स। वेटिंग एनर्जी है, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना है, चाहे थर्ड पार्टी उनकी फाइनेंसेस, फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स हो, चाहे थर्ड पार्टी कोई और फीमेल या मेल हो, यहाँ पर वो उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है, सिक्स सिक्स डबल सिक्स, तो यहाँ पर सक्सेस आपको मिलेगी, विक्ट्री आपको मिलेगी, रीयूनियन दिख रहा है विद फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो यहाँ पर आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, लेकिन यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है। वेटिंग एनर्जी है,
सिक्स नंबर है, कुछ लोगों को सिक्स आवर्स, सिक्स डेज, सिक्स वीक्स के अंदर रिस्पॉन्स आने लगेगा आपके पर्सन की तरफ से रीयूनियन के लिए। मैं मैसेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रीयूनियन की बात कर रही हूँ। जून का मंथ है, सिक्स नंबर अगेन डबल सिक्स आया है, हो सकता है जून एंड तक आप में से काफ़ी लोगों का रीयूनियन हो, काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिले, तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन ये बता रहा है कि आप एक होंगे और आपकी विश पूरी होगी, जो हमारा आज का टॉपिक था। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहें। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। वन टू थ्री फोर, ओके, फॉरगिवनेस, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। अगर आपके पार्टनर के प्रति आपके दिल दिमाग में कोई गुस्सा है, कोई डाउट है, कोई ब्लेम है, या आपको उन्होंने बहुत तकलीफ दी है, या आपको बहुत नाराज़गी है उनसे, तो माफ़ कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे यही गाइडेंस आया है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड है, या कोई ऐसा रिलेटिव है, या कोई ऐसा फादर फिगर है, या कोई ऐसा गाइडेंस है जो कि गाइड है, जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप को सुधार सकता है, किसी की मदद से आपका रिलेशनशिप सुधर सकता है, तो बिल्कुल हेल्प लीजिए। ट्रस्ट करिए इस रिलेशनशिप पे, कुछ लोगों की मदद करिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, तो कुछ जानवरों को खाना खिला दीजिए, कुछ गरीबों की मदद कर दीजिए, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो कि आपके हेल्पफुल हो, ना कि आपके आपको धोखा दें। साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज़ दिख रही हैं यहाँ पर, हो सकता है टेंशन से आपकी या आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यूज़ हो, सो बहुत अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहें। मैंने ये रीडिंग इसीलिए करी है ताकि आप में से जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं उन्हें एक गाइडेंस मिले। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटी पता चली हो, रेजोनेट करी हो आपसे एनर्जी, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।